जय जगन्नाथ। आप ये देख रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो रथ है जिसका नाम नंदी घोष है, उसको प्रांगण में ले जाया जा देख रहे हैं। पुरी में होने वाली जगन्नाथ जी महाप्रभु की रथ यात्रा का मंजर और बहुत ही सुंदर नजारा, बहुत ही सुंदर। जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलभद्र। ये आप देख रहे हैं होने वाली रथ यात्रा के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ को यहाँ से मंदिर प्रांगण की ओर ले जाया जा रहा है। ये है उसकी ये रस्सी आप देख रहे हैं और इसको पकड़कर अब आगे आप देख रहे हैं इसका रिचुअल, इसके रीति रिवाज शुरू हो चुके हैं और यहाँ से अब पूरी सम्मान के साथ, पूरे रीति रिवाज के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ से मंदिर प्रांगण तक पहुँचाया जाएगा। यात्रा से पहले रथ जहाँ खड़े रहते हैं वहां से सभी रथों को मंदिर प्रांगण में स्थापित किया जाता है और उसका भी एक पूरा रीति रिवाज के साथ, पूरे विधि विधान के साथ उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो अभी श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ मंदिर प्रांगण में पहुंचा है और वहां पर उसको अभी खड़ा किया जा रहा है। देखिए भक्तों का हुजूम, भक्तों का जन सैलाब अभी से ही यहाँ पर बहुत भारी संख्या में और बड़ी ही सुरक्षा के साथ, कड़ी सुरक्षा के बीच हर एक रथ को मंदिर प्रांगण तक पहुंचाने का कार्य यहां पर शुरू हो चुका है। तो मेरे जस्ट पीछे में आप देख रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ खड़ा है जो कि पहले खड़ा था मंदिर कार्यालय के सामने यहां से लगभग 800 मीटर की दूरी पर और आज रथ यात्रा के एक दिन पहले उसे लाया गया है मंदिर प्रांगण में, मंदिर के सिंह द्वार के समक्ष, सिंह द्वार के सामने। और यही वो रस्सिया है जिन्हें से कल रथ को आगे बढ़ाया जाएगा और हर किसी की तमन्ना इन रस्सियों को 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, एक मिनट जितना देर मिल जाए उतना छूने की और रथ को खींचने की। तो ऐसी ही जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलभद्र। ये आप देख रहे हैं कल सुबह होने वाली रथ यात्रा के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ को यहाँ से मंदिर प्रांगण की ओर ले जाया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे पुलिसकर्मी, आर्मी के जवान जो है उनके बीच में ये रथ यात्रा को आप देख रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ को ले जाया जा रहा है। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ अभी पहुंच चुका है प्रांगण में और ये आप देख रहे हैं वहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ को ले जाकर वहां खड़ा किया गया है और इसके बाद में अब आएगा सुभद्रा जी का रथ। और ये रिचुअल, ये जो रिवाज है ये 19 तारीख को शाम में ही शुरू हो जाता है रथ यात्रा के एक दिन पहले। तो आज आप देख पा रहे हैं ये सुभद्रा जी के रथ को लाया जाएगा और स्थापित किया जाएगा, सुभद्रा जी के रथ को प्रांगण तक के ले जाने का मौका एक मिला है तो इसको हम गवाएंगे नहीं। तो ये आप देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं कितने भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल, आर्मी की सेना और सभी जो यहाँ के मंदिर के सदस्य समिति के लोग हैं उन्होंने लेकर आए और महाप्रभु का ये रथ आज रथ यात्रा के एक दिन पहले मंदिर प्रांगण में लाकर खड़ा किया गया है और जिसमें कल महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजमान हो गए। जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के आने के बाद में अब यहाँ पर आएगा सुभद्रा जी का रथ जिसका नाम है देव दलन और वो देख रहे हैं आप रथ है उतनी दूरी पर खड़ा और वहाँ से रथ को खींच कर सभी लोग अभी आगे बढ़ाकर लेकर आएंगे यहाँ पर महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के बाजू में। तो इसका रिचुअल जो होता है वो रथ यात्रा के एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर रथ को आगे लाया जाएगा। तो देव दलन रथ की अब हम दर्शन करेंगे और यहाँ पर जैसे ही पहुँचता है मैं उसकी आपको सारी अपडेट जरूर दूंगा। जय जगन्नाथ, जुड़े रहे और पूरा वीडियो जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ। पुरी में होने वाली जगन्नाथ जी महाप्रभु की रथ यात्रा का मंजर और बहुत ही सुंदर नजारा, बहुत ही सुंदर दृश्य। अब इसके बाद में महाप्रभु की जो छोटी बहन है सुभद्रा जी उनके रथ को यहाँ पर लाने का कार्य किया जाएगा जो कि पूरे रीति रिवाज के साथ यहाँ पर उसको लाया जाएगा। ये आप देख रहे हैं कितनी बड़ी विशाल रस्सी होती है। इसी रस्सी को कल खींचने के लिए हर कोई बेताब है, हर किसी के मन में एक अभिलाषा है कि ये जो महाप्रभु जगन्नाथ जी के नंदीघोष रथ की जो रस्सी है उसको खींच कर महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ को खींचने का कुछ सेकंड के लिए ही मौका मिल जाए तो वो भी बहुत है। तो ये एक
हर श्रद्धालु हर भक्त की अभिलाषा होती है कि जब भगवान अपने घर से बाहर निकलते हैं और जब भक्तों को दर्शन देते हैं तो हर कोई चाहता है कि उनके दर्शन पाकर वो पुण्य लाभ अर्जित करे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ जो कि मंदिर प्रांगण के समक्ष पहुंच चुका है। और तो अब इसके बाद में महाप्रभु जगन्नाथ जी की छोटी बहन जिनका नाम है सुभद्रा जी, उनका रथ यहाँ पर आएगा जिसका नाम है देवदलन। तो अब हम देवदलन रथ के यहाँ पर आने का जो रिचुअल है उसको देखेंगे। और हर वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी हर वीडियोज हर अपडेट जरूर देखें। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।